Hey everyone, good afternoon, namaste, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So guys, ये है शाहज़ेब, आज इंट्रो में मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मेरे साथ है आज, तो हमने कल के ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को ताजमहल, एंड आज हम लोग जा रहे हैं आगरा फोर्ट. तो गाइज मैं मिलता हूँ सीधा आप लोगों को आगरा फोर्ट पे, एंड दिखाते हैं आपको वहाँ का पूरा व्यू. हाँ तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट, एंड हम लोग ताजमहल से आए हैं आगरा फोर्ट. वहाँ से आने में हमको 1000 रुपये लगे हैं शेयरिंग में, तो आप लोग आना चाहते हो 1000 आ सके. हमारे जस्ट पीछे है आगरा फोर्ट, आप लोग एक बार व्यू देखो. यहाँ भी सेम क्राउड है जितना ताजमहल में था, मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यादा क्राउड है ताजमहल से. तो चलिए यहाँ चलते हैं फटाफट से अंदर, और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर का पूरा व्यू. हाँ तो गाइस हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम हो गया है, हमने पेमेंट कर दी ऑनलाइन और हमको टिकट नहीं मिला. लाइक स्कैम नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई डिले चला, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है. तो हमने बात करी है जो मैनेजर है यहाँ के, उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला है कि अपना ईमेल दो, वहाँ पे हम फॉरवर्ड करते हैं. तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है. आप जाओगे सिक्योरिटी चेक पे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे नंबर, आप बात करके बोल सकते हो कि हमारा टिकट हमको नहीं मिला है, एंड वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे आपके मेल पे. तो कोई घबराने वाली बात नहीं है. फिलहाल चलते हैं अंदर, मैं जस्ट एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, अभी अंदर नहीं जा पाए हम लोग, अंदर चल के आपको सब कुछ दिखाता हूँ. हाँ तो गाइज ये है अंदर आने के बाद पहला व्यू आगरा फोर्ट का. अब यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ है, हम लोग अंदर जा रहे हैं, एंड वहाँ से हम लोग एंटर करेंगे. ओ माय गॉड, इसकी बनावट देखो गाइज, लाइक ये रियल आई से इतना बड़ा दिख रहा है कि मैं बता नहीं सकता. और ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ये अंदर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी. सो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं अंदर, एंड आते ही यहाँ पे मेरी आवाज़ थोड़ी गूंजने लगी है, क्योंकि ये एक गेट है बड़ा सा, जो कि बहुत बड़ा है, एंड सब कुछ बड़ा ही बड़ा है. आपको सब कुछ बड़ा ही बड़ा है, लिटरली सब कुछ बड़ा है यहाँ पे. हाँ तो भाई हमने एक गाइड कर लिया है, अंकल जी को कर लिया है, अभी बताएंगे सब कुछ हमें, और आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ अच्छे से. बोलिए अंकल जी. शाहजहां के बाद किसने किया था पहले? अकबर ने शाह किया, उसके बाद और जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने. अच्छा, ये मुगल का कैपिटल है, रहने का घर, रूल करने का. अच्छा, ताजमहल में केवल बॉडी दफना है, कभी कोई रहा नहीं. अच्छा, ताजमहल में खाली बॉडी दफनाई थी, यहाँ पे लोग भी रहते थे, रूल भी करते. वाह, मतलब यहाँ पे राजा करते थे और रहते थे. चढ़ाई तीनों गेटों को तोड़ के नीचे आता है. अच्छा, जो तीनों गेट तोड़ के यहाँ पे आ जाएगा. पत्थर के रोला छोड़ दिए जाते थे, जो पत्थर के बड़े बड़े गोले होते वहाँ छोड़ दिए जाते थे. साइडों से बचने की कोशिश की, ये नाली है दोनों तरफ. हाँ, बहुत बड़ी है. तो यार गरम तेल गरम पानी छोड़ने के लिए. अच्छा हाँ, ये नाली टाइप की बनी हुई है, ये गरम तेल गरम पानी छोड़ने के लिए, कोई दुश्मन अंदर आ गया अगर तीनों चकमा देखे तो. वाह, सिस्टम आप जो कर रहे थे ना. हाँ, जब कोई एंट्री करता है तो हमारे की आवाज रही. ओ भाई, यहाँ तो आवाज पूरी गूंज रही है. यहाँ पे अगर कुछ भी हाथी घोड़े आते थे यहाँ से पास होकर जाते तो पूरी आवाज गूंजने लगती थी पूरे महल में गाइस. तो गाइस यहाँ पे आप एक बात हमको पता चल रही है कि औरंगजेब ने शाहजहां को जो हाउस अरेस्ट किया था वो क्यों किया था, क्योंकि वो अंकल क्या दो ताजमहल बनाना चाहते थे, एक काला और एक व्हाइट. आप लोगों ने व्हाइट के बारे में सुना होगा, और उन्होंने सोचा कि क्या एक्स्ट्रा बेसिस पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको नजरबंद कर दिया था ना, नजरबंद कर दिया था यहाँ पे, इसलिए काला महल हमेशा काला ताजमहल आधा ही बना है. नहीं, बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना है. बहुत लोग कहते हैं आधा बना है, लेकिन बिल्कुल नहीं बना है. सोचो भाई, सारी फाउंडेशन रखा गया और स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो ये रीजन था, इसलिए उनको नजरबंद कर दिया गया था. ये आर्मी एरिया. अच्छा, तो गाइस आधा एरिया यहाँ पे, आधे से ज्यादा 75% एरिया आज भी इंडियन आर्मी कवर करती है स्पॉट का, और बाकी जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं. जाटों ने, मराठों ने, ब्रिटिश वालों ने कई आक्रमण किए. अच्छा, जाट, मराठा और ब्रिटिश सब ने आक्रमण किए हैं यहाँ पे. जहांगीर महल से एंट्री करेंगे. ये जहांगीर महल है ना. तो गाइस आपके सामने है जहांगीर महल. अकबर की जो हिंदू रानी जोधाबाई थी. हाँ, जोधा का पुत्र जहांगीर था. तो गाइस आप जो ये सामने बड़ा सा देख रहे हो, गोल सा बना हुआ है, ये गोल सा कुछ नहीं है, बाथ टब है, जो कि किसका है? जहांगीर को दासियां गुलाब जल के पानी से स्नान करा. बताओ, जहांगीर को दासियां, ये महल के अंदर था और दिखाने के लिए बाहर रख दिया, दिखाने के लिए बाहर रखा गया है. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसके चारों तरफ गोल्ड कवर हीरे जवाहरात थे. ये सिंगल पीस है पूरा, सिंगल पीस. इसको पूरा सिंगल पीस में बनाया गया है, एंड पे चढ़ने की सीढ़ियां भी दी गई हैं. ओ माय गॉड, अंदर भी है, अंदर भी स्टेप्स हैं इसके. अंदर पता नहीं आप लोगों को दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, बट गाइस के अंदर भी स्टेप्स हैं, एंड ये है बाथ टब जहांगीर का. और ये जहांगीर महल अकबर ने बनाया था अपने बेटे के लिए. अकबर ने उस टाइम एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही. क्या? दीन ए इलाही. गाइस एक बहुत ही अच्छी बात पता चली है कि जहांगीर ने उस टाइम क्या बनाया था अंकल? रूल. एक रूल बनाया था अकबर ने. अच्छा, अकबर ने एक रूल बनाया था, क्या था वो? धर्म, रिलीजन. रिलीजन, दीन ए इलाही. अच्छा, धर्म दीन इलाही. हाँ, तो एक रिलीजन बनाया गया था, हिंदू मुस्लिम सबको मिला के एक धर्म बनाया था. व्हाइट में दिस आर्च, मुस्लिम आर्किटेक्ट. सामने देख रहे हो ये व्हाइट में जो आर्क है, ये क्या है? आर्च. आर्च है जो. हाँ, क्या है ये? मुस्लिम आर्किटेक्ट. ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है. ये लोटस हिंदू. अच्छा हाँ, वो लोटस हिंदू है. थ्री स्टार ज्यूस. जो थ्री स्टार है वो क्रिश्चियन जीसस. ओके, वाह,
तो गाइस फाइनली हम लोग अभी महल के अंदर आए हैं, यहाँ बहुत अंधेरा है। ओ माय गॉड, ऊपर के शॉट्स देखो आप, वाओ। अच्छा, रानियों का महल है? रानियों का महल है तो खोजा सिक्योरिटी करते, खोजा जानते हैं आप? तो खोजा क्या होता है? किन्नर हिजड़े। अच्छा, किन्नर लोग उस टाइम रानी के महल की सिक्योरिटी किया करते थे, क्योंकि अंदर में जेंट्स अलाउ नहीं था। ओके, अंदर जेंट अलाउड थे ही नहीं? बिल्कुल, राजा ही आ जा सकते। ओके गाइस, जहाँ भी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा, इसे कहते थे रंग महल। यहाँ पे ये जो ऊपर रानिया एंटरटेनमेंट के लिए होता था, रंग महल नाच गाना होता था ऊपर रानिया बैठ, और जो वाला सेक्शन देख रहे हो आप ऊपर वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ रानिया बैठती थी। और कौन? हरम कीप्स, इंडिगल वाइफ। अच्छा, उनकी वाइफ इंडिगल वाइफ, उनकी। ओके ओके ओके। और जो ये वाला सेक्शन था, ये यहाँ बेडरूम था। अच्छा, ये बेडरूम था, डोर नहीं थे, पर्दा। अच्छा, यहाँ पहले पूरा पर्दा हुआ करता था गाइस, आप देख सकते हो। भाई जो ये सेक्शन है, यहाँ पे हिंदू टेम्पल हुआ करता था, इधर ये किचन और डाइनिंग, और इस साइड लाइब्रेरी हुआ करती है, करती थी यहाँ पे, अब ऑब्वियसली भी नहीं है। जो आप लोग ये देख रहे हो, ये सब कटिंग देख रहे हो, ये कौन सा आर्किटेक्चर है? हिंदू आर्किटेक्चर। हिंदू आर्किटेक्चर है, जो कि राजस्थान ना, राजस्थान में बनाया गया था। वाओ, अब देखेंगे नूर जहाँ का एयर कंडीशन। नूर जहाँ का एयर, जहांगीर की रानी थी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, हवा। वाह, तभी आ रहे हैं हम लोग हवा महल की तरफ, जहाँ पे बिना इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ठंडी हवा आती है। जहांगीर का जो रूम, जहांगीर का जो रूम है, वहाँ पे बिना एसी पंखे के बहुत ठंडी हवा आती है। तो मैं चल रहा हूँ अंदर, आप लोग मेरे साथ चलिए। वाओ गाइस, एक बार आप लोग यहाँ का व्यू देखो यार, लिटरली कितना सुंदर है। महल के ऊपर वाटर टैंक है, वो आप सेक्शन देख रहे हो, उसके ऊपर वाटर टैंक है। अंदर डबल दीवार का महल है, अंदर डबल वॉल का महल है। हाँ, दीवार है, हॉलो वॉल है। अच्छा, जो हॉलो है पूरी। अच्छा, वाटर टैंक से दीवारों में पानी चलता था रूम को ठंडा करने के लिए, समर टाइम कोल्ड वाटर, विंटर टाइम कोल्ड वाटर। अच्छा, जो ऊपर टैंकर लगा है उससे पानी निकलता था, जो हॉलो है उसके अंदर से पानी चलता था ठंडा रखने के लिए। गाइस समझ सकते हो उस टाइम पे कितना दिमाग ला के बनाया गया है। ये नहीं, ये ड्रेनेज अंडरग्राउंड, अंदर का वेस्ट पानी। अच्छा, ये देख रहे हो, ये सब ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हो, ये सब ये बना रखा है पूरा आगे से। ये वो है जहाँ से पानी अगर यहाँ जमा हो तो वो बाहर निकल जाए। वो देखो पूरा, यहाँ से पूरा दिख रहे हैं जितने भी बने हुए हैं, ये पानी बाहर निकालने के लिए यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। वाह यार। तो गाइस यहाँ पे बहुत अंधेरा है, जहाँ पे हम लोग है यहाँ पे है क्या है गली, डबल वॉल का ना, डबल वॉल का महल, और ये अंदर से हॉलो है, उसके अंदर से पानी चला करता। बजा बजा की दीवार, देखो ये चौड़ी चौड़ी दीवार सब डबल है, ये जितनी दीवारें यहाँ की सब दीवारें डबल है गाइस, उसके अंदर से पानी चला करता था। वाह, जितनी भी दीवार है यहाँ पे अंदर से खोखली है पूरी तरीके से। वाह, तो समझ सकते हो जब गर्मी होती थी तो ठंडा पानी चलता था, और जब ठंड होती थी उसके अंदर गर्म पानी चलता था। वाह, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग हैं गाइस। तो गाइस यही पता लगा कि ये जो सेक्शन है यहाँ पूरा गोल्ड हुआ था, सोना, और ये सब ब्रिटिशर्स ने इसको गला गला के निकाला है और अपने देश लेकर गए हैं। तो गाइस इस महल की देखो आगे ये विंडो है, ओपन विंडो, इसे कहते हैं मैजिक विंडो। लाइक आज के टाइम में आप लोगों ने बसों में देखा होगा ये सब, और ये उस टाइम से बना हुआ है। वाओ, ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल गाइस। तो आपने ये वाला सेक्शन देखा ना कैसे खुला हुआ है, एंड अब ये देखो एक वॉल है, इसको मैंने क्रॉस किया एंड मैं ऊपर आया, एंड गेस व्हाट गाइस, वो होल अभी दिख ही नहीं रहा है। डोंट वरी, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसको थोड़ा स्लोप में बनाया गया है ताकि हवा आए तो नीचे जाए, एंड ऊपर से स्लोप बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ तो गाइस, आगरा फोर्ट से ताजमहल का व्यू प्रॉपर क्लियर दिखता है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, कैमरा फ्लिप करके आप लोग भी एंजॉय करो आगरा फोर्ट से ताजमहल का व्यू। आप वहाँ देख रहे हो वो एक दीवार है और एक यहाँ एक दीवार है, उसके बाहर ये रेड फोर्ट नहीं है। तो ये जो दीवार बनाई गई है, इस पहली वाली दीवार के अंदर जो एरिया है इसके अंदर रहते थे जंगली जानवर, और जो दूसरी दीवार है उसके अंदर रहते थे मगरमच्छ ये सब, ताकि कोई दुश्मन अंदर ना आ पाए। एंड गाइस आप लोग सामने देखो तो सामने यहाँ से ताजमहल दिखता है, वो रही यमुना नदी, एंड वाओ यार गाइस यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है ताजमहल का, एकदम क्रिस्टल क्लियर, लाइक ओह माय गॉड। यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, एंड सामने का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो गाइस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं शाहजहाँ का पार्ट था, जो उसको मार्बल बहुत ज़्यादा पसंद था। शाहजहाँ की दो लड़की थी, जहरा और रोशनारा। ये शाहजहाँ की दो लड़की थी, दो बेटियाँ थी, मतलब जहरा और रोशनारा, इसमें छोटी लड़की रहती थी रोशनारा, कवर गोल्ड के थे। अच्छा, लोग सामने से देखो यहाँ पे कौन रहता था, शाहजहाँ की लड़की रोशनारा, यहाँ पे रोशनारा रहती थी, और ये सोने का हुआ करता था पूरा, एक गोल्ड का हुआ करता था, जो अभी गोल्ड का नहीं है ऑब्वियसली। ये लड़की अनमैरिड थी, मुगल टाइम में लड़कियों की शादी नहीं होती थी। ओके,
ये किसी को सर नहीं झुकाना चाहते थे, हमारी लेवल का नहीं है कोई। वाह, जो भी ये डोली बनाया है अब देखेंगे बेडरूम मुमताज। तो गाइस अब आप लोगों को लेकर चल रहे हैं शाहजहां और मुमताज का जो बेडरूम था वहां पे। लाइक आज के टाइम में ये सब चीजें देखना है, लाइक मेरे को तो गूज़बम्स आते हैं, मुझे फॉर्ट रोड में ट्रैवल करता हूँ तो, बट स्टिल गाइस दिस इज ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड। तो गाइस अभी आप जो देख रहे हो ये क्या है इनका? शाहजहां मुमताज बेडरूम खास महल। ओके, दिस इज लाइक इसका नाम था खास महल, ये था प्रॉपर बेडरूम उन लोगों का शाहजहां और मुमताज का, जहाँ पे वो लोग सोते थे। राइट, सब सोना लगा हुआ था, यहाँ पूरा सोना लगा हुआ था गाइस, जितना भी सेक्शन दिख रहा है सब निकाल के लेके ब्रिटिशर्स। आपका पंखा था रस्सी से खींचने वाला कपड़े का है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो घींच के पंखा चलता है उसके रिंग लगी हुई है, उसी के द्वारा उसे खींचा जाता था और पंखा लगाया जाता था। ओ माय गॉड, सामने अंगूर का बगीचा था जो इनका बेडरूम था, सामने जो ये वाला एरिया है, एक सेकंड, जो ये वाला एरिया है यहाँ पे क्या हुआ करता था इनका? अंगूर का बगीचा, अंगूर का बगीचा हुआ करता था। ग्रेप्स गार्डन, या ऑब्वियसली ग्रेप्स गार्डन, अंगूर का बगीचा। वाओ गाइस, यहाँ की देखो सो ब्यूटी है, वो नेक्स्ट लेवल है गाइस। गाइस जो यहाँ पे सामने फाउंटेन देख रहे हो ये उसी टाइम से बना हुआ है, एंड इसमें गुलाब जल के फुब्बारे चलते थे। एंड गाइस ये फुब्बारे कैसे चलते थे, जो सर्वेंट्स हुआ करते थे वो वहाँ पे टैंकर हुआ करता था, तो वो लोग अपने हाथ से पंप करते रहते थे, उसके द्वारा ये पूरा पानी चला करता था, फुब्बारा चला करता था। ओ माय गॉड, यहाँ की ब्यूटी देखो गाइस, लाइक दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे विजिट करना। तो गाइज नो डाउट्स, अगर आपको कभी भी यहाँ पे आने का मौका मिले तो यार कभी हेसिटेट मत करना कि फोर्ट है क्या, पुराना होगा, ट्रस्ट में गाइज यहाँ पे आपको बहुत चीज सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट आप जब लोग यहाँ पे आओगे और खुद ट्रेवल करोगे, खुद देखोगे, तो आपकी जो फीलिंग होगी या एक्सप्लोर करने का होगा नेक्स्ट लेवल होगा गाइज, मैं बता नहीं सकता। तो आप ये सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कोई जाली लगी हुई है प्रॉपर, ये था जेल उन लोगों का, जेल जो यहाँ पे काम करती थी लेडीज जेल, जो यहाँ पे दासियां काम करती थी वो वहाँ पे कुछ गलती कर देती थी तो उन लोगों को यहाँ बंद किया जाता था। ओह शिट, जहाँ सामने हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो है शीश महल, तो ये सामने है शीश महल और ये बंद है अभी, ये बंद ही रहता है, ओके, हमेशा बंद ही है 20 सालों से। ओके गाइस दिस इज शीश महल, एंड अंदर देखो आप लोग, आप लोग को अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ दिखेगा तो सीरिया कंट्री के ग्लास लगे हुए जो आप लोगों को चमकता हुआ दिख रहा है, ये सीरिया कंट्री के ग्लासेस लगे हैं, एंड ये 20 सालों से बंद है, ये कभी ओपन ही नहीं हुआ ना, ये कभी ओपन ही नहीं हुआ। मतलब इसके अंदर एक कैंडल जलेगी तो लाखों कैंडल नजर, इतने शीशे लगे हुए हैं इसके अंदर, अगर एक कैंडल जलेगी तो यहाँ पे लाखों करोड़ों के रिफ्लेक्शन होंगे। ओ माई गॉड गाइस, तीन पानी के टैंक है गर्म का ठंडे का, ओके okay, तीन पानी के टैंक भी हैं गरम का ठंडे का और खुशबू का। ओ माय गॉड, तो गाइस उस टाइम आपने रोशनारा का देखा था, एंड ये किसका है? ये जहारा, जहारा बड़ी डॉटी, शाहजहां की बड़ी डॉटर, उसका ये है, और ये भी सोने का ही हुआ करता था ऑब्वियसली, उसका सोने का था तो इनका भी सोने का हुआ होगा। ये शाहजहां का क्या है, शाहजहां का क्या है, यहाँ हाउस अरेस्ट किया था। ओके अब जा रहे हैं गाइस उस सेक्शन में जहाँ पे शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया गया था बाय औरंगजेब ऑब्वियसली। तो गाइस अभी जो आप ये सेक्शन देख रहे हो ये वो वाला एरिया है जहाँ पे शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, सिक्योरिटी रहती थी ऑब्वियसली गाइस, एंड ये बताया जा रहा है कि सबसे खूबसूरत एरिया है यहाँ का, सबसे खूबसूरत एरिया है यहाँ का, एंड यहाँ से इस पे देखो गाइस ध्यान से ये देख रहे हो काम किया गया है, जेम्स लगे हुए हैं और ये अंदर है इसके, ये ओके ओके ये वाले जो ये देख रहे हो गाइस ये, और ये हाथों से लगाए गए हैं काट काट के ना, मून लाइट्स में चमकते हैं, एंड आप लोगों को दिखाता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ से जो ताजमहल का व्यू दिखता है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे होगा वो सामने, अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है, ये फाउंटेन चलता था जो वो एरिया है वो ताजमहल है, ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, हाँ वो सामने है ताजमहल, यहाँ से ताजमहल का पूरा व्यू दिखता था। तो गाइस जो एरिया यहाँ पे हाउस अरेस्ट किया था यहाँ पे वो 8 सालों तक हाउस अरेस्ट पे, एंड यहीं पे उनकी डेथ हुई थी 1666 में उनकी डेथ हुई थी, यहीं पे हुई थी गाइस। फैसिलिटी सभी था, ये फाउंटेन है, रोज वाटर का पानी चलता था, फैसिलिटी सारी थी यहाँ पे, उनको हाउस अरेस्ट किया था, यहाँ पे भी रोज वाटर का पंप चला करता था, फुब्बारा चला करता था, ऊपर टैंक है, स्लोप से पानी आता है, वहाँ टैंक था, स्लोप से पानी आता है, एंड ये एरिया देख रहे हो अलग ही बना हुआ है, जो ये अंडरग्राउंड पानी गिरता है, एंड वहाँ से फुब्बारा चलता है। अभी कहाँ लेके जा रहे हो आप हमें? अब दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग और राज्यसभा। ओके अभी हम जा रहे हैं दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग ऑफ राज्यसभा। ये अंडरग्राउंड यमुना नदी तक जाकर जाने का टनल है, तो यमुना आप ये देख रहे हो यहाँ का जो टनल है ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये टनल डायरेक्टली यमुना नगर जाता है, यमुना नदी यमुना नदी नाम के द्वारा ताजमहल। वाओ,
हाँ तो गाइस अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं मस्जिद है सानिया का पर्सनल मीना मस्जिद। तो गाइस मेरे सामने है अभी जहाँ जहाँ का पर्सनल जो मस्जिद हुआ करता है जहाँ पे वो ओपनिंग करते थे मीना मस्जिद, तो मेरे सामने है आप लोग देखिए। तो देखिए ये है मीना मस्जिद, ऊपर एक क्लोज है, बंद है तो नहीं ले सकते ऑब्वियसली। तो यहाँ है जहाँ पे उनका पर्सनल मस्जिद था जहाँ पे वो प्रेयर्स करते थे, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो पूरा। मेरे पीछे है जो ये है दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल, ओके प्राइवेट मीटिंग हॉल है उन लोगों का। अच्छा कोहिनूर डायमंड इसी का यहीं पे था, यहीं था ओके गाइस। जो कोहिनूर डायमंड था वो यहीं पे था सबसे फर्स्ट टाइम पे यहीं पे था। मेरे पीछे देख सकते हो आप पूरा व्यू, ये वजीर का सीट है। तो गाइस आप जो मेरे सामने देख रहे हो सिंहासन बना हुआ है, यहाँ बैठते थे जहांगीर, और वो वाला सामने सेक्शन है वहाँ कौन बैठा करते थे, वजीर, वहाँ वजीर बैठा करते थे। एंड आप लोग यहाँ से भी पूरा ताजमहल का क्लियर देख सकते हो। ये कसौटी पत्थर है जिसमें गोल्ड चेक करते हैं ज्वेलर्सों के पास छोटे। अच्छा तो आपने देखा होगा जहाँ पे गोल्ड होता है चेक होता है सुनार होते हैं किसके चेक करते हैं, ये वही पत्थर है, क्या कहते हैं इसे, कसौटी पत्थर है ये। okay. सिंगल पीस में था 1803 में अंग्रेजों ने तोप का गोला मारा जैसे क्रैक हो गया। ओके ये पूरा सिंगल पीस में था, अंग्रेजों ने यहाँ पे तोप का गोला मारा था इसकी वजह से ये पूरा क्रैक हो चुका है। तोप का गोला बाउंस करके उधर चला गया जो होल बना हुआ दीवार में। और देखो यहाँ पे जो तोप का गोला चला था वो बाउंस करके कहाँ गया था गाइस, वो देखो जो ऊपर होल देख रहे हो वाला, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये होल है यहाँ पे गया था डायरेक्टली और वहाँ पे जाकर टकरा के इसकी वजह से होल हो गया था। इसमें बैठ के जहांगीर सत्य का डिसीजन लेते थे, कहते ना कसौटी पे खड़ा होता रहा जहांगीर का इंसाफ। ओके तो ये था पूरा फैक्ट, महाराज बोलते थे महाराज पधार रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये उनके हमाम बने हुए हैं नहाने के लिए थे, अभी ये बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पे कॉफी से कौन नहाएगा अब जाके। लेकिन गाइस जो रूम है इनमें मीना बाजार लगता था लेडी शॉपिंग करने के लिए। ओके उस टाइम पे तो गाइस जो उस जमाने में यहाँ पे जब सब कुछ लोग हुआ करते थे यहाँ पे मीना बाजार लगा करता था लेडीज लोगों की शॉपिंग करने के लिए। ऊपर ऑफिस थे उनका रिकॉर्ड रूम डॉक्यूमेंट रखने। अच्छा जिनकी दुकानें थी। ओके यो नहीं दुकानें नहीं ऊपर रिकॉर्ड रूम ऑफिस। अच्छा उनके रिकॉर्ड रूम ऑफिस हुआ करते थे ऊपर जो ऊपर जो खड़े हुए हैं नीचे ट्रेजरी टक्साल जो गोल्ड के सिक्के जो ये देखा यहाँ पे घास फूस अभी आ चुकी है घास आ गई है। तो वहाँ पे उस टाइम बैठा करते थे शाहजहाँ और यहाँ पे रहती थी मुमताज और इसके अंदर होता पानी और तीर से किया जाता था मछली का शिकार। शौक देख रहे हो गाइस उस टाइम के, वाओ है बट दिस आर्किटेक्चर इज लाइक डोप गाइस वाओ। यहाँ का व्यू देखो एक बार कितना सुंदर है, वो रहा हमारा प्यार सा ताजमहल आगे। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में लाइट वाइट तो हुआ नहीं करती तो मशाले जला करती थी, तो जितनी होस देख रहे हैं आप एक दो तीन जितनी भी है यहाँ पे इन सबके अंदर मशाले जला करती थी ताकि पूरा लाइट प्रॉपर रहे। तो गाइस इस फोर्ट के अंदर तीन मस्जिद है, तीन में से दो बंद है और एक खुला हुआ है। तीनों के नाम क्या क्या है, मीना नगीना मोती, उसमें से एक खुला हुआ है। खुला कौन सा है, नगीना मस्जिद खुला हुआ है, मोती भी बंद है। मोती भी बंद है, मोती जनरल पब्लिक के लिए। अच्छा जनरल पब्लिक के लिए मोती बंद है, और कोई वीआईपी है उसके लिए के। अच्छा 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 ओके तो खाली एक ही मस्जिद खुला हुआ है अभी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दीवाने खास दिखाया था एंड अभी हम जा रहे हैं दीवाने आम जहाँ पे आम लोगों का पब्लिक का जजमेंट होता है। ओके जहाँ पे आम लोगों का जजमेंट होता है कुछ ऐसी करते हैं कुछ जाए तो ओके ओके सीढ़ियाँ। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं दीवाने आम में, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ये काफी नीचे है शायद। ओह माय गॉड गाइस ये कितना बड़ा है। ऊपर वाला सेक्शन देख रहे हैं आप दीवाने आम में, वहां बैठे करते थे किंग राजा और यहाँ बैठे करते थे उनके वजीर। और जो ये देख रहे हैं आप एक ये और एक वो वहां पे रानियां बैठा करती थी। आप यहाँ देख रहे हो ना ये रॉड टाइप की लगी हुई है, इसे यहाँ पे पर्दा लगा करता था, पर्दा हुआ करता था यहाँ पे आउटसाइड में सोल्जर। और जो ये आउट सेक्शन का पूरा एरिया यहाँ पे सोल्जर सैनिक तैनात रहते थे हमेशा। वो क्या चीज है वो सामने है, समाधि ब्रिटिश गवर्नर की है। ओके जो सामने आप समाधि देख रहे हैं गाइस वो ब्रिटिश गवर्नर की है, अंग्रेजी हुकूमत का गवर्नर था, नाम था जॉन रसल कॉलविन। जॉन रसल कॉलविन जो 1857 में खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने इसकी ओके वो 1857 में खत्म हुए तो उनकी समाधि यहीं पे बना दी गई। जो सामने तोप देख रहे हो वो खुदाई के टाइम निकली थी और ये अंग्रेजों की है, ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उनकी बंद कर रखा है। गाइस अभी अंकल ने बहुत ही खास बात बताई है, जहाँ पे हम दीवाने आम में खड़े हैं राजा लोग ज्यादा तेज बोलना पसंद नहीं करते थे, आराम से बोलना पसंद करते थे। तो ये हॉल बनाया गया है, कैसे बनाया गया अंकल, डबल छत इससे नहीं थी। अच्छा उसकी ताकि आवाज वाइब्रेट हो, हल्के बोले तो आवाज वाइब्रेट हो, पूरे वाइब्रेशन से सबको आवाज सुनाई दे। लाइक गाइस आप सोच सकते हो यार क्या होगा वहाँ पे, जो कितने प्लेयर्स हैं 64 है गिन के। हम अभी गेट पे पहुँचेंगे जी, वहाँ से जब देखेंगे तो राजा क्लियर नजर आएगा, कोई पिलर उनकी सीट पे आड़ा तिरछा नहीं आएगा।
अच्छा ओ माय गॉड गाइस, जो यहाँ पीछे देख रहे हो यहाँ पर राजा का जो बना हुआ है बैठने का एरिया, और जो वो मेन गेट है, मैं आपको दिखाऊँ पीछे आराम से, वो जो मेन गेट है अगर वहाँ से यहाँ पे देखोगे सामने एकदम जहाँ राजा बैठते हैं तो वहाँ के सामने कोई पिलर नहीं आएगा, राजा बिल्कुल नहीं छुपेगा, फेस सामने आएगा उनका, क्योंकि जो बाहर से आएगा तीन बार झुके सलाम करेगा, किनकी नज़र गेट पर पड़ेगा। वाओ, जो जो भी अंदर आएगा वो तीन बार सलाम करेगा ताकि राजा उसको देख सके। वाओ दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं कुएं की तरफ। ये कुआं उसी टाइम का है ना? उसी टाइम का है। अब इसमें पानी नहीं है तो बंद कर, अब इसको बंद कर दिया गया वैसे तो, अब इसमें पानी वानी कुछ नहीं है, बट रकाम मैं आप लोगों को दिखाना, मैं दिखा दूं, जाके देखिए उधर फटा हुआ थोड़ी सी जगह है वहाँ पे। वाह, सीढ़ियाँ थी अंदर जाने के लिए, तो गाइस इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। एंड एक बार इसका नाम देख लो आप लोग, स्टेप वॉल दीवान दीवाने आम, स्टेप वॉल दीवाने आम। वाह देखो कितना जाली लगी हुई है, आपको दिखाता हूँ अच्छे से एक बार। देखो यहाँ से हल्का सा खुला हुआ है एंड ये अंदर पूरा कुआं है, पानी महल के लिए सप्लाई के लिए, पूरे महल के पानी का, पूरे महल में पानी की सप्लाई के लिए सीढ़ियाँ थी अंदर जाने के लिए। पहले सीढ़ियाँ वो करती थी, अब यहाँ पे नहीं है सीढ़ियाँ, तोड़ दी गई शायद उसको, बंद कर दिया। अच्छा हाँ, तो कैसे अभी आप लोगों को बताया मैंने, जहाँ से मेन गेट है और जहाँ राजा बैठते हैं वहाँ से पूरा क्लियर व्यू आता है, तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों से कि वहाँ का व्यू कैसा है और जहाँ पर राजा का सिंहासन है पूरा वो कैसे क्लियर दिखता है। गाइस पीछे है मेरे गेट जहाँ से फरियादी लोग आते थे, कुछ तकलीफ हो जाती थी और वो राजा को यहाँ पे कीमत सलाम करते थे, एंड यहाँ से मेरे सामने पूरा राजा का सिंहासन क्लियर दिख रहा है। एक बार आप लोग भी देखो, आई डोंट नो वो देख पा रहे नहीं देख पा रहे, मैं जूम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, जो वो एरिया है वहाँ पे बैठते थे राजा। ये मेन गेट है, अंदर आते ही आपको पूरा व्यू दिख जाएगा सिंहासन का, वो एरिया नहीं छुपता है साइड से, मेन गेट में आते ही वो एरिया सेम सामने दिख रहा है और पिलर साइड हो गया लग रहा है मेरे को। तो गाइस हमने आपको पूरा किले का व्यू दिखाया, पूरा टूर कराया, एंड हमारे साथ हैं अंकल जी का नाम क्या है आपका? सुखवीर सिंह, ये आगरा के ही हैं गाइस। इन्होंने बहुत ही प्यार से हमको पूरा अच्छे से दिखाया पूरा। एक बार आपका नंबर बोल दीजिए आप। सुखवीर सिंह नाम है इनका। अगर आप लोग यहाँ पे आए तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आए यहाँ पे आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कैसे करेगा? कोई फोन नंबर आपका? आप गेट पे ही मिलेंगे तो गाइस, ये फोन नहीं नंबर नहीं रखते हैं, ये आपको गेट पे ही मिलेंगे हमेशा। तो आइए और इनका चेहरा देख लीजिए इनका एक बार आराम से, जब भी आए इनसे मिलिएगा। तो गाइस मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मैं बोलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।